गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले एक हफ्ते से हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वो सब जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होते हैं और कैसे जनरेट होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, हमने आपको कुछ कारण इसके बारे में बताए थे पहले भी कि जियोपैथिक स्ट्रेस किन लाइंस के कारण आता है। कुछ और भी रीजन होते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के साथियों, वो कारण कौन से होते हैं, जैसे किसी जगह पर अगर कहीं पर जो है कोई नीचे फॉल्ट आ जाते हैं, अगर अर्थ के नीचे फॉल्ट्स आते हैं। फॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा न्यूज में देखा होगा कि कहीं पर भूकंप आया, भूकंप आने के बाद वहां की जमीन फट गई, वहां की सड़क फट गई, वहां पर फॉल्ट होता है। ये फॉल्ट एक टेक्निकल टर्म है जो कि हमारे जो जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी हमारे लोग इसमें काम करते हैं, अपने अर्थ के बारे में काम करते हैं, अर्थ के स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन सबको इसके बारे में पता होता है कि ये फॉल्ट्स होते हैं। फॉल्ट के कारण जो है जमीन फट जाती है, और ये जितने भी फॉल्ट होते हैं ये सब के सब वास्तुशास्त्र के अनुसार नेगेटिव माने जाते हैं। इन फॉल्ट्स के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग बनाता है तो वो तो हमेशा अनस्टेबल रहेगी, कहने की जरूरत नहीं। अब क्या है कि ये जो फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट से भी अर्थ के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस जनरेट होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कभी कभी अर्थ के नीचे स्पाइरल्स होते हैं, नेगेटिव स्पाइरल्स होते हैं, स्पाइरल एनर्जी को बोलते हैं, जिसको कि हम एनर्जी कॉलम भी बोलते हैं, जो कि ऊपर निकल जाते हैं, अर्थ के नीचे से शुरू होते हैं और बहुत ऊपर तक तो चले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एनर्जी कॉलम्स, एंड दे आर नेगेटिव, दे आर नॉट पॉजिटिव एट ऑल। ये भी दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस। जमीन के नीचे तरह तरह की हलचल, तरह तरह की उथल पुथल हर समय होती रहती है, और इनको चेक करना किसी भी मकान को बनाने से पहले, किसी भी मकान को भवन को लेने से पहले, किसी भी प्लॉट को लेने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वहां पर आप लेने के बाद में आपको आगे चल के उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। वास्तु बहुत जबरदस्त तरीके से साइंटिफिक है, इसमें अनुमान पर बात करना अप्रोक्सीमेशन गलत है। यू शुड बी एक्यूरेट, यू शुड बी साइंटिफिक, यू शुड बी ऑथेंटिक। पर इन चीजों को सेंस करने के लिए आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, आपको इसके लिए जरूर कोई ना कोई क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, और वो कंसल्टेंट आज आपको आके बताएगा कि हाँ, आपने अगर लेना है ये प्लॉट तो आप लें या ना लें। और दूसरी बात, जब भी किसी कंसल्टेंट को बुलाते हैं, वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं, तो सबसे पहले ये एंश्योर जरूर कर लें आप कि वो साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट है, साइंटिफिक वास्तु में डील करता है, या सुपरस्टिशियस है। क्योंकि किसी भी आदमी का सुपरस्टिशियस कंसल्टेंट बन जाना बहुत आसान है, कुछ भी बोल दे, हाँ ये आपको सूट करेगा, आपको नहीं करेगा, आपके पास पैसा आएगा, पैसा चला जाएगा, ऐसी बातें तो पता नहीं कितने लोग बोलते हैं सुबह से शाम तक बैठे हुए, रोड के साइड बैठते हैं, अपनी किस्मत को ठीक करते हैं, अपनी किस्मत को ठीक नहीं कर पाते। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको फिर अच्छा कंसल्टेंट चाहिए। अच्छा कंसल्टेंट भी वो हो जो कि सच्चाई को आपके मुंह पर बता दे, अगर गलत है तो गलत बता दे, आपको खुश करने के लिए, ये ना कहे कि हाँ 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 बहुत शुभ है, मजा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, गलत। और हम क्या बताएंगे, मेरे पास जो सेंसर हैं, स्कैनर्स हैं, वही बता देते हैं हमारे क्लाइंट को कि देखिए गलत है, चीज गलत है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर गलत है। कहीं पर कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस कहीं पर नीचे छुपे होते हैं जमीन के नीचे, कहीं पर ग्रेवयार्ड होता है जिसको कहते हैं हम, कब्रिस्तान, या कहीं कब्र दबी होती है, और वो भी फ्रेश और बहुत पुरानी ना हो। बहुत पुरानी का मतलब 70-80-100 साल के बाद तो हर कब्र अपनी वैल्यू खत्म कर देती है, लेकिन अगर कोई बहुत इतनी पुरानी नहीं है तो वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करती है, क्योंकि अर्थ के नीचे एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इज नॉट अ पॉजिटिव सिम्टम फॉर द लैंड। तो आप लोग इसको इस पर भी ध्यान दें। जियोपैथिक स्ट्रेस एक हमारी चेन है पूरी की पूरी, जिसमें मैं आपको बहुत सारे अपने वीडियोस दिखाऊंगा, बहुत सारे अपने यूट्यूब पर आप देखें, उसको चेक करें, देखें, और आपको ज्ञान मिलता रहेगा। और जब कहीं पर आपको पता चलता है कि हाँ वो जियोपैथिक स्ट्रेस है, तब उस जगह को अगर देखिए, अगर आपने ले लिया है फिर तो आप फंस गए, फिर तो उसके इलाज करने पड़ेंगे। इलाज तो होते हैं, अगर जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत सीरियस नहीं है तो उसके बहुत इलाज हैं। कॉपर वायर से ठीक कर लेते हैं हम लोग, कॉपर सिल्वर वायर से ठीक कर लेते हैं, कुछ स्टोन्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, इसके लिए रिवर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्बल्स इसमें यूज कर लेते हैं,
कट ऑफ कर देते हैं वेव्स को, वाइब्रेशंस को, ऐसे तरीके तो बहुत सारे हैं हमारे पास। पर अगर आपने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है तो आप क्यों, आप ना लें इसको। ये अगर आप ले लेते हैं फिर तो ये हुआ कि हमें, हम पहले जानबूझ के बीमार पड़े, इसलिए बीमार पड़े क्योंकि हमें इसका दवाई का पता था कि दवाई खा लेंगे हम ठीक हो जाएंगे। ये तो अकलमंदी नहीं है, दिस इज नॉट द विजडम फ्रेंड्स। ध्यान दें इसके ऊपर, आप ले ही ना उस प्रोडक्ट को, छोड़ दें, मकान को छोड़ दें। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर अगर इस प्लॉट को हम नहीं लेंगे कोई और तो लेगा। हाँ लेगा जरूर, जिसके किस्मत जिसके भाग्य में ऐसे नुकसान उठाना लिखा हुआ है, जो अनजान है इस चीज से, या जो वास्तव कंसल्टेंसी के चार पैसे दो पैसे बचाना चाहता है कि हाँ मतलब ये मेरे पैसे बचाएगी, फीस बचाएगी, कर लेते देखी जाएगी आगे चल के क्या होगा। दुनिया रहती है, सभी लोग कहते दुनिया रहती है, और उस दुनिया के अंदर कुछ परसेंटेज लोग जो है हमने उजड़ते बर्बाद होते हुए देखे। आज हमारे पास जो सेंसर्स हैं, स्कैनर्स हैं, मीटर्स हमारे पास में हैं, वो सब इंडिया के, मोस्टली बाहर के, इंडिया से बाहर के हैं, जिससे कि हम सेंस करते हैं। पैरेलल वाइब्रेशंस होते हैं, साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, EMR होते हैं, उसकी जो टेस्ला वैल्यू होती है आपने पढ़ी होगी साइंस में, फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी टेस्ला वैल्यू होती है, उसकी गॉस वैल्यू होती है, GAU SS गॉस, ये सब पढ़ी होगी। जब इतनी जबरदस्त साइंटिफिक बात हम करते हैं तो फिर इसमें अंधविश्वास कहाँ रह गया, कोई अंधविश्वास नहीं है इसमें। मेरा यही आप लोगों से कहना होता है कि यू हैव टू बी साइंटिफिक, बी लॉजिकल, एंड गेट द ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंसी फ्रॉम द ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट, एनी पर्सन हु इज द अथॉरिटी इन वास्तु, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस आदमी के कहने से आप सलाह ले रहे हैं, जिससे कहने से आप जो है उसकी बातों पर अमल कर रहे हैं, अगर उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है तो इसका मतलब आपके साथ धोखा हो रहा है। Be wise, be logical. Thank you. Namaskar.